दोस्तों आप सब मेरे साथ बने रहना और आप सबको आज ब्रह्मा जी, गायत्री जी और सावित्री सभी को दर्शन करने को मिल जाएगा। तो आप सब लोग इस ब्लॉग को पूरा देखना, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सागर नायक ऑफिशियल। में मैं आप सबका सहदिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। दोस्तों अपना अपना ख्याल रखना और अपने अपने मज़े से रहना। दूसरों का ऐसे टेंशन बोलो ये बोलो ये तो हर किसी के लाइफ में होता है, लेकिन ज़्यादा टेंशन भी मत लो, ज़्यादा फेसर भी मत लो, क्योंकि ऐसे अपना तबीयत ख़राब करके कुछ फ़ायदा नहीं है। तो हंसते रहो और मुस्कुराते रहो हो और ऐसे मेरे ब्लॉग देखते रहो। तो दोस्तों आज मैं एक बहुत ही सुंदर जगह पर आया हूँ, ऐसे आप लोगों को ऐसे थोड़ा बहुत ऐसे दिखा देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि चलो मैं कहाँ पर आया। सब सबको पता भी चल गया होगा कि चलो मैं कहाँ पर आया हूँ। तो भी देखो ये पीछे का मेरा जो क्या लिखा है, शायद ऐसे कैमरा ऑफ की वजह से आप लोग को पता नहीं चल रहा है। आज मैं ब्रह्मा जी का मंदिर पे आया हूँ और बहुत ही सुंदर मंदिर है ये, और ऐसे भगवान जी जो बैठे हैं ना बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो चलो सबसे पहले भगवान जी का दर्शन कर लेते हैं, फिर उसके बाद अगली जो बातें होगा ना फिर धीरे धीरे बातें करेंगे। तो चलिए दोस्तों ऐसे मंदिर के ऊपर चलते हैं और ऐसे आप सबको ऐसे ब्रह्मा जी बैठे हैं ना वहाँ पर लेके चलता हूँ और आप सबको ऐसे दर्शन करवा देता हूँ मैं। देखिए मंदिर कितना सुंदर मंदिर है ना, बहुत ही ज़्यादा सुंदर ये मंदिर है। ये देखिए यहाँ पे ऐसे जाली लगा हुआ है, यहाँ पे ये अंदर से जाने का है, ये जो साइड आप सबको दिखाई दे रहा है ना यहाँ से, यहाँ का जो इसका जो बैकग्राउंड है ना वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर है, वो भी आप सबके साथ जरूर मैं शेयर करूँगा। देखिए गायत्री माता जी देखिए ये साइड पे बैठे हैं और यहाँ पे देखिए ब्रह्मा जी बैठे हैं और यहाँ पे सावित्री माता जी बैठे हैं। कैसा लग रहा है आप लोग जरूर बताना, 100% 100% 200% या 300% बताऊँ, अब सबको अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है ना, अब सबको बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है ना। अब लोग ये बता ही नहीं सकते हो कि चलो अच्छा नहीं लग रहा है, अब लोग का शायद दिन अच्छा जाए, ऐसे भगवान से मैं प्रे करता हूँ। चलो भगवान जी मेरे जितने भी यूट्यूब वाले दोस्त हैं ना सबका ऐसे दिन अच्छे से निकल जाए, जो जो ये ब्लॉग को देख रहा हूँ ना हर किसी का ऐसे दिन जो है ना जो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुंदर तरीके से निकले। देखिए वहाँ से आने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे जो शिव परिवार बोलते हैं, देखो शिव परिवार यहाँ पे देखो कितना सुंदर लग रहा है ना, शिव जी बैठे हैं यहाँ पे, कितना मस्त लग रहा है ये मंदिर, इतना खूबसूरत है ना ये मंदिर। पे देखो दोस्तों मैं पहली बार आया हूँ, थोड़ा ऐसे अंदर लग रहा है, शायद लाइट चालू नहीं है ना इसके लिए, तो भी शायद आप सबको अच्छे से दिखाई देता होगा, अच्छा तो लगा। देखो यहाँ पे देखो हंसराज जी बैठे हैं, कितना मस्त लग रहा है। मैं ऐसे इसका जो बैकग्राउंड है वो भी आप सबके साथ दिखाऊंगा जरूर। और देखिए ये गणपति पप्पा बैठे हैं ना, हर एक मंदिर पे जाओ ना तो गणपति पप्पा होते ही होते हैं, गणपति पप्पा नहीं होगा ऐसा एक भी मंदिर मैंने नहीं देखा होगा कि जहाँ पे चलो गणपति जी नहीं बैठे हैं। सही बात बोल रहा हूँ मैं, शायद आप सबको लगता होगा सही बोल रहा हूँ मैं। और यहाँ पे देखो जय जय राम सीताराम, लक्ष्मण जी भी है और हनुमान जी भी है और राम और सीता तो होंगे ही। तो दोस्तों आप लोग को शायद अच्छे लगा होगा, देखिए इसका जो पीछे का जो बैकग्राउंड है ना वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। वो ऐसे मैं ऐसे बाहर जाता हूँ फिर आप सबको उससे थोड़ा बहुत शेयर भी कर, देखो फ्लावर भी कितना सुंदर लग, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, बहुत ज़्यादा मस्त है। तो जैसे मुझे टाइम मिला मैंने बोला चलो दो दिन हो गया ऐसे मेरा वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, क्योंकि ऐसे इतना ज़्यादा काम था ना इसके लिए थोड़ा बहुत ऐसे लेट हो गया ऐसे वीडियो अपलोड करने के लिए। तो भी ये वीडियो जैसे आप लोग के पास पहुँचे तो आप लोग ज़रूर ऐसे प्यार दिखाना अपना और मेरे साथ जरूर देना, अगर हो सकते तो जितना हो सकता है आप लोग ऐसे कमेंट करते रहिए और प्यार दिखाते रहिए। ये देखिए ये मंदिर देखिए कितना सुंदर मंदिर है, अब सबको ऐसे दिन भी अच्छा जाता होगा ना, ऐसे सुबह सुबह अगर भगवान का दर्शन हो जाए ना तो दिन बहुत ही सुंदर। चलो भगवान की मंदिर पे आया हूँ तो एक बार घंटी तो बजाना ज़रूरी है। जय जय राम सीताराम। जैसे मंदिर से मैं बाहर निकला ना यहाँ पर बैठे थे ओमकालेश्वर महादेव जी, इसका भी आप सबको दर्शन करा देता हूँ। चलो इसके थोड़ा बाद ही यहाँ पे देखिए वमेश्वर महादेव भी बैठे हैं। मंदिर पे आता हूँ ना तो ये सब जब ऐसे मुझे दिखाई देता है ना तो मुझे लगता है कि चलो आप सबके साथ जरूर शेयर करना चाहिए। देखिए ये है ब्रह्मेश्वर महादेव जी, आप सबको तो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा ना। तो चलो इसका जो पूरा ऐसे मंदिर का जो बैकग्राउंड है ना वो सब थोड़ा बहुत आप सबके साथ शेयर कर लेता हूँ। चलो मैंने सोचा चलो मंदिर को भी थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ आप सबको। देखिए यहाँ पे पुजारी जी बैठे हुए हैं, ये मंदिर का जो गेट है ना मेन गेट जो है वो वही है, यहाँ से ऐसे एंट्री होने के बाद ब्रह्मा जी के मंदिर का जो सीढ़ी है वही है। फिर उसके बाद देखो ये फ्लावर है कितना मस्त लगे सुबह के टाइम, क्योंकि अभी देखो ये सब जितना भी फ्लावर है ना सुबह के टाइम में सब ऐसे उगेगा तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो चलो इसका जो बैकग्राउंड है ना पीछे एक बार पूरा ऐसे घूम के आप सबके साथ शेयर कर लेता हूँ तो आप सबको भी ज़रूर अच्छा लगेगा। तो दोस्तों आप लोग को कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताना,
ऐसे मैं भी घूम रहा हूँ, मैंने सोचा चलो आप सबसे का थोड़ा बहुत ऐसे बातें भी कर लेता हूँ, तो जितना बातें करूँगा ना उतना आप सबको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। ऐसे आप सबको बताया कि आप सबके साथ थोड़ा बहुत ऐसे बातें करता हूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये देखो मंदिर का जो पीछे का एरिया है ना, मैंने सोचा कि तब थोड़ा बहुत ऐसे घूम के दिखा देता हूँ, आप सबको ज़रूर अच्छा लगेगा। यहाँ से चलो, मैंने बोला चलो ये मैं फ्लावर का जो दिखा रहा था ना, झाड़ दिखा रहा था ये चलो वहाँ पर चलता हूँ और आप सबको दिखाता हूँ कि बहुत ज़्यादा सुंदर है। और देखो यहाँ पर ये तुलसी का पेड़ है ना, आप सबको पता होगा, ये देखो कितना मस्त लग रहा है ना, बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। इसका एक फ़ोटो ले लूँ क्या मैं, और प्रोफाइल में अगर ये फ़ोटो रख दूँ तो अच्छा लगेगा, थंबनेल में ये रखूँ कि दूसरा कुछ रखूँ, देखता हूँ। चलो लेकिन यहाँ से एक फ़ोटो तो मुझे क्लिक करना ही करना है सोचता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है ना, अब सबको भी लग रहा होगा ना, बहुत ज़्यादा सुंदर है, देखो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। मतलब इसका व्यू की बात करूँ तो ये जैसे आया तो ये देखो कितना मस्त लग रहा है ना, इसका चलो सुगंध बोलो या कुछ भी बोलो इतना जोरदार है ना कि चलो एक बार अगर कहीं पे आप बैठो तो बहुत ही, आप लोगों को पता है कि चलो मंदिर में बैठते हैं तो कितना अच्छा लगता है और बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है और सुकून भी आता है ना, क्योंकि मंदिर जैसा तो कहीं पर भी ऐसे सुकून नहीं मिलता होगा। तो दोस्तों आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताना, मैं आप लोगों के लिए ऐसे डेली ब्लॉग लाने के लिए कोशिश करता हूँ, शायद बीच में एक आध दिन ऐसे छूट जाता है मेरे से क्योंकि काम भी बहुत ज़्यादा होता है ना, ऐसे आपको पता नहीं होगा कि चलो मैं मेरे लाइफ में कितना ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ अभी। ऐसे आप सब लोगों को शायद थोड़ा बहुत ऐसे जो ऐसे मेरा वीडियो ऐसे शायद डेली वॉच करते हो ना, उन सबको पता है थोड़ा बहुत मैंने मेरे बारे में बताया होगा, तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता हूँ बहुत ही, और ये कोशिश करता हूँ कि चलो मेरा जो ये चैनल है ना थोड़ा बहुत ऐसे सक्सेस मिल जाए, क्योंकि दूसरा भी कुछ करता हूँ और इसके साथ साथ ये भी कर रहा हूँ और कोशिश भी कर रहा हूँ, चलो ये भी थोड़ा बहुत अगर सक्सेस मिल जाए ना तो ये बहुत ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात होगा। अगर आप सबका ऐसे प्यार बना रहा ना तो ज़रूर मुझे ऐसे मतलब आज नहीं तो कल ज़रूर मुझे सक्सेस मिलेगा, और आप सबसे इतना मतलब आप सबसे जितना हो सके ना मुझे ऐसे प्यार दीजिएगा ज़रूर। तो दोस्तों चलो ऐसे ब्लॉग ख़त्म करने से पूरा करने से पहले एक बार चलो हनुमान जी का भी दर्शन कर लेते हैं, मैं भी चलो आप लोगों के साथ यहाँ पर बैठ जाता हूँ और ऐसे आप लोग को दिखा देता हूँ हनुमान जी कैसे लग रहे हैं, आप लोग ज़रूर बताना हनुमान जी को, देखो अच्छा लग रहा है ना, ऐसा कोई भी नहीं बोल सकता चलो भगवान का दर्शन करके अच्छा नहीं लगता होगा, हर किसी को अच्छा लगता है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग बस यहीं पे ख़त्म करता हूँ, आज सबको कैसा लगा आप सब लोग ज़रूर बताना। तो दोस्तों बाय बाय, ब्रह्मा जी का मंदिर पे मैं आया और आप सबको ब्रह्मा जी को मैंने दिखाया, साथ में सावित्री जी बैठे थे, गायत्री जी बैठे थे, मैंने सबको ऐसे आप सबको शेयर किया, तो आज सबको कैसा लगा आप सब लोग ज़रूर बताना। तो आज का ब्लॉग बस यहीं पर ख़त्म करता हूँ, अगले नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर मिलते हैं।